है 10 cups ऑफ मैदा, ठीक है, 3.5 tablespoons टेबलस्पून भर के यीस्ट। ये बिल्कुल एक्यूरेट एंड परफेक्ट मेजरमेंट्स हैं पिज्जा की, आप प्लीज नोट डाउन करते जाइए। इसमें जाएगा एक अंडा, इसमें हम डालेंगे 1.5 tablespoon भर के चीनी, इसमें हम डालेंगे 2 tablespoon भर के सॉल्ट ताकि हमारी जो डो है वो फीकी ना हो। और ये जो बड़ा सा पतीला आपको नज़र आ रहा है, बड़े से पतीले में आपने डो अपना बनाना है क्योंकि ये राइस भी होगा तो अच्छे से राइस हो। इसमें हम डालेंगे सिर्फ 2 या 3 tablespoon के करीब ऑयल। देखिए हमने यीस्ट, सॉल्ट, चीनी, अंडा, ऑयल, अब हम इसको गूंदेंगे गर्म पानी से, नीम गर्म। आप ये समझ लें कि नीम गर्म का भी नीम गर्म करना है, गुनगुना हो इट मीन्स। अब सबसे पहले इसको हम हाथ से मिक्स करें भूनने से पहले ताकि ये जो सारा इंग्रेडिएंट्स है ये इसमें मिक्स हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। ये आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, आजा आजा, ये हमारी एक मेड है जो बच्चों के पीछे चिल्ला रही है कि आ जाओ, तो इट्स ओके, घर में ऐसे होता है, आवाज़ें वगैरह आती हैं, क्या करें, अब हम इसी तरह वीलॉग बनाएंगे ना, और क्या करें। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लिए, सैनिटाइज कर लिए, उसके बाद आप डो बनाइए प्लीज़। जैसे कि कोविड चल रहा है तो वो सारी SOPs आप फॉलो करें। ये देखिए इस शेप में आ जाएगी हमारी डो, और कोई ज़रूरत नहीं डरने की कि ये स्मूथ नहीं है, बिल्कुल फाइन होना चाहिए, कोई बात नहीं, और स्टिकी हो रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है डरने की। हाँ, बिकॉज जब आप इसको रखेंगे थोड़ा सा छोड़ेंगे तो ये खुद ही सेट हो जाएगा ना। ये देखिए ये चिपक रहा है ना अभी, और कोई स्मूथ नहीं लग रहा आपको, कोई बात नहीं, ये खुद ही जब राइज होगा हर चीज़ से। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के, अब हम इसको ऑयल लगा के थोड़ा सा छोड़ देंगे। हाँ, कितनी देर के लिए? तो पूरे 1 घंटे के लिए, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम, पूरे 1 घंटे के लिए। चेक कर रहे हैं हम इसमें लम्स वगैरह तो नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छे से आपने इसको गूंदना है अपने प्यारे हाथों से। देखें अब ये स्टिकी की तरफ से हटता जा रहा है, इस तरह से प्रॉपर डो की शेप में आ रहा है। जैसे ही हमने ऑयल लगाया, ऑयल लगा के इसको हम छोड़ देंगे राइस होने के लिए टिल 1 आवर। ओके, अब कोई मत डरेंगे, स्मूथ नहीं कुछ नहीं, खुद ही जब राइस होगा हर चीज़ इतनी अच्छी हो जाएगी कि आप जब पंच मारेंगे डो को वो खुद ही स्मूथ हो जाएगा। अब हम इसको पूरे 1 आवर के लिए रख देंगे। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा, और सबसे पहले हम रेडी करेंगे अपना चिकन, ठीक है। ये है हमारा होम मेड मसाला, ये हम डालेंगे 2 tablespoon या 2.5 tablespoon हमने ये डाला। सॉल्ट हम डालेंगे 1/2 teaspoon जो कि इसमें ऑलरेडी सॉल्ट डला हुआ है, बीच में हम चख लेंगे। उसके बाद हम डालेंगे विनेगर, बहुत इजी रेसिपी है, कोई इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। आज आपके साथ हम पूरी पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करेंगे, डो बनाएंगे। ये सिरका हमने कितना डाला है विनेगर? ये हमने 2 tablespoon बहुत है क्योंकि बच्चे भी खा रहे हैं तो हमें उसके हिसाब से बनाना है। अब हम इसको करेंगे मिक्स, लेकिन इसमें सबसे पहले हम डालेंगे ऑयल। ऑयल हम इसमें डालेंगे 2 tablespoon या 3 tablespoon, इतना डालना है कि तरी नहीं आए क्योंकि हम ये कोई सालन नहीं बना रहे, बस पक जाए इतना ऑयल हो। अब हम इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा फ्रोज़न था ये खुद ही मिक्स हो जाएगा। पानी इसमें बिल्कुल थोड़ा सा डालना है, और इसमें हम लहसुन की पेस्ट भी डालेंगे। ये हमने लहसुन कूट लिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन और हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो ये कितना लहसुन है? ये हो जाएगा 1.5 teaspoon भर के, हम उसको भी ज़्यादा नहीं करेंगे, जो उसके अंदर थोड़ा सा बच गया है उसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, और इसको हम बस इतना ही पानी डाल के पकाएंगे हल्की आंच पे, ये खुद ही अपने ही पानी में पकेगा। ये हम मिक्स कर रहे हैं, ये फ्रोज़न है, मैंने आपको पहले ही बताया था
जैसे भी ये थोड़ा सा पकेगा तो ये डिफ्रॉस्ट हो जाएगा। अब हम इसको बिल्कुल हल्की आंच पे रख देते हैं। इसको अब हम पूरे 20 मिनट्स तक हल्की आंच पे पकाएंगे। फ्लेम हम आपको दिखाते हैं कितनी फ्लेम करनी है। ओके, अब हम इसको छोड़ देते हैं पकने के लिए। ये अब हमारा डो रेडी हो गया है, जो हमने अपना डो बनाया था पिज़्ज़ा डो, जिसमें हमने सारे इंग्रेडिएंट्स भी आपको बताए थे। ठीक है, अभी हमने ओवन ऑल कंप्लीट हो चुका है, और अपने हैंड्स को अच्छे से ऑयल लगा लें और फिर इस तरह से इसको पंच लगा के, ये इसमें आपको एयर नज़र आ रही होगी, ये देखें बहुत ही अच्छे से ये पिज़्ज़ा डो फूल चुका है। ये देखें, कोई ज़रूरत नहीं थी, देखिए कितनी स्मूथ हो गई। ये देखें उस टाइम पे कितना स्टिकी लग रहा था, बट आफ्टर लीविंग वन और उसके बाद ये खुद भी खुद ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से बहुत ही ज़बरदस्त पिज़्ज़ा डो तैयार हो चुका है। अब हम बनाएंगे अपना पिज़्ज़ा, बहुत ही ज़बरदस्त, ग्रेट। जो मैं रेसिपी शेयर कर रही हूँ प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही कमाल रेसिपी है। बस चीज़ खा रहा है। ये देखिए रेडी हो गया। अब आपको इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे। इसमें हमने आदम चीगा मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है। ओके, फिलहाल वी हैव ओनली मोज़रेला, तो हम सिर्फ मोज़रेला ही यूज़ करेंगे। इसमें इस तरह से क्यूब्स में हम यूज़ करेंगे अनियंस, जूलियन हम यूज़ करेंगे, कैप्सिकम और ऑलिव्स यूज़ करेंगे, एंड हेयर वी गो, हेयर वी हैव पिज़्ज़ा सॉस। ठीक है, पिज़्ज़ा सॉस। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम यूज़ करेंगे। जो मैंने चिकन की रेसिपी शेयर की थी वो चिकन भी रेडी हो चुका है। किस तरह से धुआंदार चिकन नज़र आ रहा होगा आपको, रेडी हो चुका है। ठीक है, उसके साथ ही हमने एक बड़े से पतीले में, जैसे कि मैंने आपको बताया हमारे पास भले अवन हो पर फिर भी लाइट की टाइमिंग सा कोई पता नहीं, तो इसलिए भी हम जो है वो इसको पतीले में रेडी करेंगे पिज़्ज़ा को। बड़े से पतीले में आप इस तरह से, जिसमें आपके पिज़्ज़ा पैन पूरे आ जाएं, सॉल्ट पूरा रख लें और इस तरह से कटोरी रख लें जिसके ऊपर आप अपना पिज़्ज़ा पैन रखेंगे। स्टैंड नहीं हो तो आप कटोरी रख लें, अगर स्टैंड है तो वेल एंड गुड। 10 मिनट्स तक फुल आंच पे आपको इसको करना है, बिल्कुल 10 मिनट्स के लिए। ठीक है, कोई मीडियम नहीं, कोई स्लो नहीं, कुछ भी नहीं, फुल आंच। तो मैं आपको इसकी फ्लेम दिखा देती हूँ, ये देखें भड़कती हुई आंच आपको इसकी नजर आ रही होगी। इस आंच पे आपने पूरे 10 मिनट तक पतीले को गर्मा गर्म करना है। हेयर वी गो विद आवर पिज़्ज़ा डो, भी हमारा रेडी है, हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स भी रेडी हैं। अच्छा, ये आपको एक कटोरी नज़र आ रही है, ये हमने रखी हुई है मेयरमेंट के लिए। इस तरह से इस कटोरी के नाप से हम जो है वो आटा मेयर करते जाएंगे, और इतना ही आटा हम जो है लेकर इस पिज़्ज़ा पैन में फिक्स करते जाएंगे इस तरह से। सही है, मतलब इतनी मेयरमेंट तक आपको लेना है। सही है, अब हम इसे असेंबल करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें पिज़्ज़ा सॉस। बहुत ज़्यादा भरना नहीं है कि पूरा पिज़्ज़ा सॉस से आपने भरा हो, हर चीज़ इतनी लगाएं जितनी वो टेस्टी लगे खाने में। इस तरह से हम ऑल ओवर डो पर जो हमने पिज़्ज़ा पैन में सेट किया है उसमें हम लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस अच्छे से। ये देखें, हम इस तरह से, फोर्क नहीं है तो स्पून से भी आप कर सकते हैं, या नाइफ हो उससे भी इस तरह से होल उसके कॉर्नर से कर सकते हैं। ओके, अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस हमने लगा ली है इसमें। और ये हमारा चिकन है जो हमने रेडी किया था, चिकन क्यूब्स जो हमने रेडी की थी। इस तरह से हम पूरी चिकन क्यूब स्प्रिंकल कर देंगे अपने पिज़्ज़ा के ऊपर। बहुत ज़्यादा भरना नहीं है कि वो लगे कि पता नहीं क्या है, पिज़्ज़ा तो लगे ही ना, पता नहीं क्या लगे। अच्छा, ये पिज़्ज़ा सॉस लगाने के बाद, चिकन स्प्रिंकल करने के बाद, उसके बाद हम इस तरह से चीज़ थोड़ा सा हाथ से ही तोड़कर इसके ऊपर फैला देंगे। ठीक है, इस तरह से। और ये हमारा पतीला एकदम कड़क गर्म हो रहा है, फ्लेम मैंने आपको दिखा दी थी, 10 मिनट अभी हुए नहीं है जब तक हम अपना पिज़्ज़ा ट्रे रेडी कर रहे हैं।
पिज़्ज़ा पैन रेडी कर रहे हैं। चीज़ हमने इस तरह से लगा दी इस पर, ये हमने चीज़ लगा ली इसमें। अब हम डालेंगे हम इसमें अनियन के क्यूब्स, जो हमें अनियन क्यूब्स किए थे वो हम इस तरह से लगाएंगे इसमें। अब हम इसमें लगाएंगे कैप्सिकम, और ये हम डाल रहे हैं इसमें ऑलिव्स। आधा घंटा है जी पापा, जन 10 मिनट्स बस। ये हो गया रेडी। थोड़ा सा और चीज़ अगर आपको कम लगे तो और डाल दें। इस तरह से प्रेस करना है इसको, ठीक है, ताकि चीज़ें सारी फिक्स हो जाएं इसमें। ये एक बहुत ही होममेड ट्रिक है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये हमने इसके अंदर फिक्स कर दिया, फ्लेम हम इसकी कर देंगे स्लो, इतनी ही रखेंगे, तेज ही रखेंगे, स्लो नहीं करेंगे, सॉरी। ये हमने इसको कवर कर दिया पूरे 10 मिनट के लिए, इसको इतनी फ्लेम पे आपने पकाना है। अब हटाई नहीं, मतलब ये दोबारा चेक कर लूँ, चेक कर लूँ, कोई नहीं आ गया, इधर बहुत गर्म है।